सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। परम सन्मानियो गुरुरु गुरु खालसा सा संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक साहब जी दे साहबजादे बाबा श्री चंद जी 4-5 साल दे ही सन, तां एक दिन द्वारे ते साधु ने आके अलख निरंजन की आवाज़ दिती, तां माता सुलखणी जी अते भूआ नानकी जी अंदर किसे घरोगी कारोबार विच रुझे हुए सन, जो उस साधु की आवाज़ ना सुन सके। बालक सरूप अगे ड्योड़ी विच बैठे किसे खेड़ विच खेड़ रहे सन, जद इदा दरवाजे ते खड़े साधु नूं तकिया तां बाल सरूप विच बाबा श्री चंद जी झट ही अंदर पुजे। अगे छोलियां दी बोरी भरी पई सी, निक्के जिहे कोमल हथ दी मुठ्ठी भरी ते आण के उस दे कासे विच छड़ दित्ती। छोलियां दे दाणियां नूं इहनां दे हत्थां दी छोह ने हीरे मोतियां दा रूप कर दित्ता कि जिस तरह लोहे नूं पारस छोह जावे तां उह सोने दा रूप हो जांदा है। साधु ने जद अपने कासे विच हीरे मोती पैंदे वेखे तां हैरान भी है अते नूरी मुखड़े वल वेख वेख के प्रसन्न भी हो रहा है ते एहो ही सोच रहा है कि यह कोई आम बालक नहीं है, कोई उस प्रभु का ही अवतार है। कन्न विच दर्शनी मास का मुंदरा है अते तन उत्ते विभूत का भी चिन्ह है। नैणा विच खुमारी है, मुखड़ा गुलाब दे फुल वांगर रोशन है, बोली तोतली प्यारी प्यारी है, मस्तक चंद दे समान चमका मार रहा है। मैं बलिहार जावां इस नूरी सरूप तो, ता आख्या कि मेरे रब जी आप ये हीरे मोती वापस लै जाओ अते मैनू आटे दी पिछया लिया के पा दिओ, ये साढ़े किसे वरतों विच नहीं हन, ये ता मेरा कुंडा करवा देंगे। हकूमत बहुत बेरहम है, जो बेइंसाफी तां अगे ही करी जा रही है, मैनू नहीं छड़ेगी, पिछे लै जाओ ऐ लवो हीरे ते मोती। इन्हां गल्लां हुंदियां दी आवाज़ अंदर पुजी कि मेरे लाल दे नाल बाहर कौन गल्लां कर रहा है, तां ननाण भरजाई दोनों ही भज के बाहर आईयां। अगे साधु खड़ा है, उन्होंने अगे वध के देखिया ते साधु दे कासे ते नज़र पई। हीरे मोती तके तां भूआ नानकी जी अते माता सुलखणी जी वेख के हैरान हो गए कि ये हीरे मोती कित्थों आ गए हैं, जो मेरे लाल ने साधु दे कासे विच पा दिते हैं। तां निक्के जिहे बाल सरूप ने आख्या कि तुसी मेरे नाल अंदर चलो, मैं दस दिंदा हाँ। अंदर गए तां बाल सरूप जी ने बोरी वाल इशारा किया कि माता जी इस भरी हुई बोरी दे विचों केवल ओह पवित्र हत्थां दी छोह नाल ही हीरे मोती बन गए हुए हैं, जिमें पारस की छोह नाल लोहा सोना बन जाता है। दर आए उस साधु नूं भी दर तो प्रसन्न करके तोरिया। जाते हुए साधु ने सिर झुका के नमस्कार कीती ते अपने राहे पै गया, पर बाबा जी की सूरत ने उसके हिरदे विच निवास कर रख्या होया सी। जिमें के सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। आप लगभग 7-8 साल दे सी जदों श्री गुरु नानक देव जी पहली यात्रा करने वास्ते तुरे सी, तां आप जी नूं भैण नानकी दी झोली पा के उन्हां दा सपुत्र बना के ही तुरे सन। बाबा लखमी दास जी 2 साल छोटे सन, उह अपने नानके चले गए सन। इधर बालक श्री चंद जी कई दिन रोटी भी नहीं खांदे सी अते चौंकड़ा मार के भजन सिमरन विच लीन रहिंदे सन। सुरती प्रभु दी जोत विच लाई रखनी, जद घर तो बाहर बच्चों नाल भी खेडण जांदे सन तां बच्चों नूं बिठाल के
सतनाम वाहिगुरु जी का जाप जपाणा ते जपणा कई वारी बच्चां नाल लुकण मिची की खेड खेडदिआं ही विचे अलोप हो जाणा तां बच्चां ने भी हैरान रह जाणा। एक दिन बालक सरूप बाबा जी कल्ले ही बाहर जंगल में चले गए सन तां अचानक ही उत्थे काले रंग का सप आण निकलिया तां उसनों ही फड़ के उहदे नाल ही खेडण लग पए। कदे अपने गल विच पा लैंदे, कदे सिर ते पग वांग वाल लैंदे, कदी अपने लक दे नाल वाल लैंदे। लोकी वेख के भजे आउंदे कि बालक नूं इह डस ना जावे। जद नेड़े आउंदे सन तां उह सप उत्थे ही अलोप हो जांदा सी। लोकी हैरान भी हुंदे सन ते सोचां विच पै जांदे सन कि इह तां शिव भोला भंडारी ही होवेगा जिस दे सप भी प्यारे हो रहे हन। एक दिन बाल स्वरूप बाबा जी घोर वड्डे जंगल में जा बैठे तां समाधि विच लीन हो गए। दो शेर जंगल विचों आण के बाबा जी दे खब्बे सज्जे बैठ गए अते दर्शन करके अपना जीवन सफल कर रहे सन। यह भी कौतक बहुत सारे लोगों ने तकिया ते आखण लगे कि धन हन इन्हां दे पिता श्री गुरु नानक देव जी अते धन हन इन्हां दी माता जिन्हां ने ऐसे तप तेज वाला सपुत्र जन्मया है जिस दे दर्शनां दी चाहना करके शेर भी शरण विच बैठ जाते हैं। इस तरह एक दिन बाल स्वरूप बाबा जी वड्डे जंगल में जा बैठे अपनी भगती विच लीन हो गए तो जंगल विचों एक हाथी सुंदर मिठे मेवे वाली डाली जो फल दे नाल भरी पई सी लिया के अगे रख दिती ते ओह कुछ परे हो के खड़ा रहा। जद बाल स्वरूप बाबा जी की समाधि खुली तो सुंड नाल डंडौत कीती अते एक फुल भी चरणा विच भेट कीता। जदों बाल स्वरूप बाबा जी की दृष्टि पई तो वह अंत इस जून का त्याग करके उसकी रूह अमर लोक नूं चली गई। वह इस जून विच बिरध हो गया सी। यह पहले जन्म विच एक जट्टां दा मुंडा सी, शरीर का बहुत भारा सी तां इसने जांदे संतां नूं हासी कीती सी। उहनां दे मुख तों अचानक ही निकल गया जा ओए हाथिया, संतां नूं हासी नहीं करनी चाहीदी। तां उसनूं इह हाथी दी जोन मिल गई सी। सो प्यारी साध संगत जी, कदे भी संत सरूप नूं हासा मखौल नहीं करना चाहीदा। जिवें कि कहावत है, संतां सेती मस्करी कुल डोबन की रीत, भागवान सेवा करे हुजतां करे पलीत। श्री गुरु नानक साहब जी दे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी बाल स्वरूप जी की उम्र कोई 7-8 साल की हो गई सी। बाहर चले गए, एक दरख्त सुका पिया सी, निक्कियां लकड़ियां इकट्ठियां करके धूणा चेतना करके चौंकड़ा मार लिया। समाधि लग गई, अजे घर तो कोई खाना भी नहीं सी खादा तां अचानक ही शेर हाथी बघियाड़ भेड़ बकरी अते होर कई किस्मां दे जंगली भयानक जानवर आण के बाल बाबा श्री चंद जी की लगी समाधि दे कोल बैठ जांदे। पता नहीं सी चलदा कि आउंदे किधरों हन ते जांदे किधर नूं हन। यह अगम्मी कौतक बहुत सारी दुनिया ने अखी वेखे। भूआ नानकी जी अते माता सुलखणी जी दोनों ही लभण वास्ते तुर पैंदे सन अते बाबा जयराम जी जो कि गुरु नानक देव जी दे फुफड़ जी सन नाल ही लभदे लभदे आ पुजे, लभ ही लिया। अजे कुछ दूरी ते ही सन तो सब तरह के निके वड्डे यह जानवर लागे बैठे अखी तके अते हैरान भी होए। तो जद नज़दीक पहुँचे पता नहीं चलिया कि एक झलक विच ही ओह किधरे छुप ही गए। हुण समाधि भी खुल गई सी, खड़े सन, कोल पहुँचे तो बाबा जयराम जी ने चुक लिया। तो बाबा श्री चंद जी आखण लगे कि असी घर तुर के ही जावांगे, तुसी सानू उतार दिओ। फिर तुर के उहनां दे नाल घर पहुँचे। भूआ जी ने दुध दा कटोरा भर के पिलाया, लाड लड़ाया, प्यार कीता, सब ने भोले भंडारी श्री चंद्र नाम पका दिता। इस तरह के बहुत सारे कौतक इतिहासकारां दीआं लिखतां तों मिलदे हन। ओह कौतक इन्ने हन कि लिखे नहीं जा सकते, बेअंत ही बेअंत हन। इन्हां दिनां विच श्री गुरु नानक देव जी
भैण नानकी जी दे कोल ही सुल्तानपुर ही निवास करते सन। तो बाबा श्री चंद्र जी का जन्म भी सुल्तानपुर ही होया सी। साध संगत जी उन्हां दे जन्म स्थान ते अज एक बहुत सुंदर गुरद्वारा सुशोभित है। लखां ही संगतां जा के उस पवित्र स्थान दे दर्शन करदियां हन ते बाबा श्री चंद जी दियां असीसां प्राप्त करदियां हन। छोटे साहिबजादे बाबा लखमीदास जी का जन्म 1553 बिक्रमी नूं सुल्तानपुर विच ही होया सी। 16 साल की उम्र विच इन्हां दी शादी होई सी अते 2 साल तो बाद इन्हां दे घर सपुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम धर्मचंद रख्या गया। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।